हेलो दोस्तों, मैं आपसे चौरसिया आपके अपने लोकप्रिय चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज से मैं एक प्रश्नों की नई श्रृंखला जारी कर रहा हूं, जिसमें मैंने विषय चुना है संस्कृत। और इस क्वेश्चन और वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाली परीक्षाओं में, खासकर टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में संस्कृत आपके लिए काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, संस्कृत का अध्यापक एक एक अर्थ का स्पष्ट करता है। ये बार संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष विधि में, दूसरा ऑप्शन है व्याख्या विधि में, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन विधि में, और चौथा ऑप्शन है समवाय विधि में। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया, संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। अगर शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है तो यानी कि इसमें प्रत्यक्ष विधि, मूल्यांकन विधि, समवाय विधि होगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, व्याख्या विधि, क्योंकि व्याख्या विधि में ही अध्यापक क्या करता है, एक एक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठास्थ करेगा, यानी याद करेगा। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को याद करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। इसमें आपका ऑप्शन है ज्ञान का, दूसरा है अभिव्यक्ति का, तीसरा है अभिग्रहण का, चौथा है अभिरुचि का। तो इसमें जैसे कि इसमें लिखा गया है कि छात्र पढ़े श्लोक कंठास्थ यानी याद करेगा। तो कोई भी छात्र हो, कोई भी श्लोक हो, याद अगर करेगा संस्कृत का, तो वो निश्चय ही अगर वो याद करेगा, उसके अंदर उस श्लोक के प्रति छात्र के अंदर अगर अभिरुचि रहेगा तभी वो उसको याद कर पाएगा, अन्यथा नहीं याद कर पाएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये अभिरुचि का, ये आपका क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं, एक मिनट, हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री होती है। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री होती है। तो यहाँ पर सहायक सामग्री में आपके चार ऑप्शन दिया गया। पहला है श्यामपट, दूसरा है फ्लैश कार्ड, तीसरा है रेडियो और चौथा टेप रिकॉर्ड है। यहाँ पर दिया गया उच्चारण अभ्यास, यानी उच्चारण अभ्यास मतलब जिससे कोई टीचर है आपको कुछ पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद क्या करता है, अगर आप उसको बराबर सुनना चाहते हैं या उच्चारण करके अभ्यास करना चाहते हैं तो इसका स्वाभाविक से अर्थ है इसको हम टेप रिकॉर्ड कर लेंगे। टेप रिकॉर्ड करने के बाद कोई भी चीज़ जो भी शिक्षक जिस भी विषय पढ़ा गया है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम उसको आराम से सुनकर बार बार उच्चारण अभ्यास करके उसको हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 63 का जो चौथा ऑप्शन टेप रिकॉर्ड है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है बाणभट्ट की कृति निम्नलिखित नहीं है, यानी कि इसमें से चार ऑप्शन में तीन तीन क्वेश्चन तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें बाणभट्ट की कृति होगी। यह आपका पहला ऑप्शन है ए कादम्बरी, दूसरा ऑप्शन हर्षचरितम, तीसरा ऑप्शन चंडी शतकम और चौथा ऑप्शन है दस कुमार चरितम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़िए तो वहाँ पर है और नहीं है इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं और पता चलता है टिक मार देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया बाणभट्ट कृति नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं बाणभट्ट कृति देखें तो वहाँ पर नहीं है नहीं देखें, तो कादम्बरी अगर ऑप्शन में है, कादम्बरी उनका सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय कृति है, तो उस पर सब लोग ऑप्शन मार देते हैं, बाद में आकर मिलाते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत हो गया। तो इसमें जो तीन कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम, तो दोस्तों ये तीनों ही बाणभट्ट कृति है और चौथा है दस कुमार चरितम, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि दस कुमार चरितम बाणभट्ट का नहीं बल्कि ये डंडी ने लिखा है। ठीक, तो दोस्तों ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है आपका, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए बाद में यह नियम शिक्षण सूत्र है। पहले उदाहरण यानी कहने कर दिया है कि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर बाद में नियम, यानी कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक हो, उसमें क्या बताते हैं शिक्षक, पहले उदाहरण बताया जाए, पहले उदाहरण बताने के बाद तब उसके नियम के बारे में बताया जाता है। ये यहाँ पर यह पूछा गया, यह शिक्षण सूत्र किस नियम का है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुभव से तर्क की ओर, दूसरा ऑप्शन है विषय से सामान्य की ओर, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण से अंश की, और चौथा ऑप्शन है सरल से कठिन की। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवें क्वेश्चन नंबर डी है विषय सामान्य, ये आपका सही आंसर होगा।
कौन सा, विशेष से सामान्य की ओर। इसमें क्या करते हैं शिक्षक, इसमें कोई भी टॉपिक अगर बताते हैं, इसमें पहले आपको उदाहरण उदाहरण स्वरूप बताए उदाहरण बताएंगे, उसके बारे में उदाहरण बताने के बाद तब उसके नियम पे जाएंगे। तो ये किस में होता है, विशेष से सामान्य की ओर। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग करने वाला दृश्य उपकरण कौन सा है। यहाँ पर दिया गया दृश्य उपकरण, यानी दृश्य उपकरण, जैसे दृश्य ही नाम पता चल रहा है कि इसमें संस्कृत शिक्षण में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसको हम दृश्य यानी अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी है फ्लैश कार्ड, ऑप्शन नंबर डी है ग्रामोफोन। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी है फ्लैश कार्ड, ये सही आंसर हो, क्योंकि फ्लैश कार्ड में क्या होता है, आप देखेंगे फ्लैश कार्ड में दीवार पर रहता है और उसमें कई तरह की चीज़ दर्शाए जाते हैं। इसके द्वारा संस्कृत शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, दृश्य उपकरण कहते हैं। इसमें केवल दृश्य ही दिखाई देंगे, ठीक। और ग्रामोफोन के बारे में आपको पता होगा, टेप रिकॉर्डर पहले इसके बारे में बता चुके हैं। और सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा को हम श्रव्य दृश्य कहते हैं, क्योंकि इसमें दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है। लेकिन फ्लैश रिकॉर्डर में क्या होता है, केवल हमें दिखाई देता है, और उसको समझाने के लिए आपके टीचर होते ही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। निम्नलिखित वर्गों में से किस उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। तो देखिए, संस्कृत में दंतोष्ठ के उदाहरण उदाहरण अगर देखा है कईयों होते हैं, लेकिन इसमें संस्कृत की अगर बात की तो वहाँ पर केवल एक ही माना जाता है। कौन सा है वो, एक मिनट। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह, ऑप्शन नंबर बी म, फिर सी प, फिर डी है क। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह, तो यही होता है इसका सही आंसर, ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए वह, इसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ का उदाहरण है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8वीं तरफ देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकर्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। आकर्षण शब्द यहाँ पर पूछा गया है, शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय हिंदी या संस्कृत में जो भी शब्द पीछे की तरफ जुड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत पूछा गया है, आकर्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपके 4 दिया गया यहाँ पर, पहला है आपका ए ऑप्शन कत, फिर दूसरा कत्वतु, तीसरा ऑप्शन सत्री, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप ऑप्शन नंबर सी है सत्री, तो यही आपका सही विकल्प होगा, ठीक। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी 69 तरफ। किरातार जो नियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, किरातार जो नियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन से। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुष्ठम, ऑप्शन नंबर बी जगति, ऑप्शन नंबर सी वंशत, ऑप्शन नंबर डी उपजाति। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वंशत, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अक प्रत्यय, यहाँ पर पहले प्रत्याहार यहाँ पर दे दिया गया है, आपको पता होगा प्रत्याहार कुल कितने प्रकार के होते हैं, कुल 42 प्रकार के प्रत्याहार माने गए हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अ ई उ ऋषिली, ठीक, और फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है अ ई उ, ऑप्शन नंबर सी है ऋषिली, ऑप्शन नंबर डी है सभी सर। इसमें देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है अ ई उ ऋषिली, यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रत्याहार के लिए मैं अलग से एक लाइव वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं प्रत्याहार के जितने भी प्रश्न आते हैं सबको मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर उस वीडियो को आप अगर अच्छे से देख लेंगे, फिर कभी भी प्रत्याहार का कोई भी क्वेश्चन कहाँ से पूछे आपका वो छूटेगा नहीं। तो देखते हैं, एक दो दिन में मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग है। यहाँ पर दिया गया है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग है। तो जो व्यंजनों के जो वर्ग होते हैं वो कुल 5 वर्ग में आते हैं। जैसे होता है क वर्ग, पता है आपको कौन कौन होता है। पहला आपका है क वर्ग,
ठीक। उसके बाद आपका दूसरा आता है ख वर्ग, सॉरी ख वर्ग नहीं, च वर्ग आता है। च वर्ग के बाद आपका जो तीसरा वर्ग आता है, पहला क वर्ग, फिर दूसरा च वर्ग, तीसरा आता है ट वर्ग, और चौथा आता है प वर्ग, फिर पांचवा आपका आता है त वर्ग। तो इसमें पूछा गया है कि स्पष्ट व्यंजनों के वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के। ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे भवन्तु सुखिने, ये आपने सुना ही होगा, किस प्रकार का वाक्य है। इसका अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिने, यानी सभी प्रकार से आप क्या हो, सुखी हो। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए संकेतवाचक, क्या कोई आपको इसके लिए संकेत, यानी अगर सर्वे भवन्तु सुखिने अगर आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है, तो क्या ये संकेतवाचक, ये तो होगा ही नहीं। फिर विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा, क्योंकि विस्मयादि बोधक में ये चिन्ह लगता है। इसके अलावा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक भी नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक में ऐसा चिन्ह लगता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, इच्छावाचक, यानी कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, यानी उनकी इच्छा है कि आप क्या हो, आप हर तरह से सुखी हो। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 73, अधिशिष्टानां कर्म सूत्र संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अधिशिष्ट कर्म सूत्र संबंधित है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रथमा विभक्ति से, फिर द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है द्वितीय विभक्ति, यही आपका सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया है अष्टाशीति। देखिए, संस्कृत क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अगर दिया रहेंगे, तो एक क्वेश्चन निश्चित है, खासकर टेट की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 100 तक गिनती के बीच में, जो भी संस्कृत जो गिनती वर्ड होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपका निश्चित ही आएगा। तो इसमें अगर आप देख लेंगे आदेश ठीक रहेगा, इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर दे दूँ। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, अष्टाशीति पद का अर्थ संख्या है। यहाँ पर अष्टाशी, जैसे अगर हम केवल 80 की बात करें, तो यहाँ पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है 78, 88, 87, 18 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर इसको अगर आप थोड़ा सा अगर एलिमिनेट करके अगर अगर आप इसको पकड़ना चाहेंगे, अष्टा, अष्टा नाम से ही पता चल रहा है कि आठ है। क्या है ये? अष्ट माने क्या होता है? आठ होता है। इसी प्रकार अष्टा, अगर इनको संधि विच्छेद कर अष्ट धन आसित, असीति हो जाएगा। तो यहाँ पर असीति माने क्या होता है? असीति माने होता है 80। संस्कृत में 80 को असीत कहते हैं। तो यहाँ पर 80 ये हो गया, उसके बाद 8 अगर इसको ऐड कर, क्या होगा? 80 और 8 88। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी सही होगा, 88। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बहुज्ञ का विप्रार्थी शब्द होगा। एक विलोम यहाँ पर दिया गया बहुज्ञ, यहाँ पर बहुज्ञ का विप्रार्थी दिया गया है, यानी विलोम पूछा, इसका विपरीत क्या होगा? अभिज्ञ होगा, अल्पज्ञ हो गया, सर्वज्ञ हो गया कि ब्रह्माज्ञ होगा। बहुज्ञ क्या विपरीत जो होगा क्वेश्चन नंबर 75 का, अल्पज्ञ होगा। क्या होगा? बहुज्ञ का अल्पज्ञ होगा। ठीक, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, एक मिनट, दिया गया है धीसे पद में संधि है। धीसे पद में संधि है, धीसे पद संधि पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, उसके बाद वृद्ध संधि, अया संधि। तो धीसे पद में ई धनी आ रहा है, यानी दो बड़े अक्षर क्या हो रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, रमाया में विभक्ति पूछा। यहाँ पर रमाया, देखिए ये शब्द रूप है, शब्द रूप और धातु रूप से आपके संस्कृत क्वेश्चन एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। तो यहाँ पर शब्द रूप पूछा गया है, रमा में विभक्ति है। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति, फिर बी है तृतीय विभक्ति, फिर सी है चतुर्थी विभक्ति। ठीक, आगे अगर देखा जाए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है षष्ठी विभक्ति। तो रमाया में विभक्ति पूछा, रमाया में विभक्ति कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, षष्ठी विभक्ति, यही आपका सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 तरफ। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन प्रयोग किया जाता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपरोक्त सभी? तो कति शब्द का प्रयोग हम अक्सर संस्कृत शब्द में बहुवचन के ही रूप में करते हैं। किस में करते हैं? बहुवचन रूप में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79।
उपसर्गों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ पर ऐसे कभी यहाँ पर उपसर्गों की संख्या ज़्यादा नहीं पूछी, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया गया है उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 20, 22, 25, 27। तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो हिंदी या संस्कृत में जो वाक्यों के पहले जो जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और अगर संस्कृत की अगर बात किया जाए तो संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 22। कितनी होती है? 22। लेकिन अगर हिंदी की अगर बात किया जाए, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 8 होती है, और वहीं पर संस्कृत उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 होती है। तो यहाँ पर उपसर्गों की संख्या पूछी है, ये नहीं पूछा कि संस्कृत है कि हिंदी है उर्दू है। तो लेकिन जैसा कि विषय ही आपका संस्कृत, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात संस्कृत में पूछा जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22। लेकिन ये जानते रहिए कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है? 22, और उर्दू में होती है कितनी? 19। ठीक, आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम है, एक संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे, उनका नाम विशाख दत्त, उन्होंने एक रचना की थी, उस रचना का नाम आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हितोपदेश, फिर बी है नीति शतकम, सी है मृच कटकम, और चौथा है आपका मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षसम जो है ये विशाख दत्त की कृति है। तो कृति से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे चलते हैं। शिवराज भूषण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज भूषण, शिवराज विजय, सॉरी शिवराज विजय, हम भूषण, मैंने भूषण पढ़ दिया, शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भास और कालिदास। तो शिवराज विजय के लेखक है अंबिका दत्त व्यास। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने अगर महाभारत देखा तो वहाँ पर पुराणों की संख्या निश्चित ही दिया गया, अगर नहीं जानते आप आज जान लीजिए। पुराणों की संख्या यहाँ पर पूछे, पुराणों की संख्या कुल कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन दिया गया पुराणों की संख्या में, ऑप्शन ए 18, फिर 20, 15, 20। तो पुराणों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन नंबर 83 है। गंगोत्कम में संधि विच्छेद है, एक क्वेश्चन संधि विच्छेद से भी है, गंगोत्कम, गंगाधन उद्गम, नाम से पता चलेगा संधि विच्छेद करें क्या आएगा, क्या आ जाएगा, गंगाधन उद्गम। यहाँ पर ऑप्शन दिया गंगोधन दकम, ये तो होगा, गंगधन उद्गम ये भी नहीं होगा, गंगोदकम, फिर इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी है गंगाधन उद्गम, यही आपका सही आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन नंबर 84 है, पवित्र में संधि विच्छेद है, पवित्र में संधि विच्छेद है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पवित्र में संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए है पोधनित्रम, पौधनित्रम, पौधनित्रम, पाधनित्रम। इसमें पवित्रम पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोधनित्रम। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 तरफ। निम्नलिखित में अरविंदम शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची पूछा है अरविंद शब्द का, तो आप लोग जानते ही होंगे अरविंद कैसे, बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, नीरम, गंगनम, वायु, कमलम, ये जो ऑप्शन नंबर डी है कमल, यानी अरविंद जो है कमल का क्या है, पर्यायवाची है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, संस्कृतम, हाँ तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया संस्कृतम शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग मैंने ऊपर ही बताया था, जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं वो क्या, वाक्य में शब्दों में या वाक्य में जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर आपसे संस्कृत का, संस्कृतम में पूछा गया कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन है ए समूह, फिर सम दिया गया, फिर स दिया, फिर सम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी और डी आपको देखेंगे सम और एक सम है, तो बी वाले में जो ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया सम, इसमें म के नीचे हलंत लगा, तो यही आपका सही विकल्प होगा सम। तो संस्कृत शब्द में निम्नलिखित कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, वो क्या जुड़ा है, सम जुड़ा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 तरफ। आदि में यहाँ पर देखिए आ भी गया है, आदि में जुड़ने वाले अर्थ प्रदान करने वाले शब्दांश कहते हैं, जो आदि यानी जो प्रारंभ वाक्यों में जो शब्द प्रारंभ में ही जोड़े जाते हैं वो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है परसर्ग, परसर्ग, फिर प्रत्यय, विसर्ग, उपसर्ग। तो मैंने अभी कुछ ही देर पहले इसके बारे में बताया था, ये आपका ऑप्शन होगा उपसर्ग, क्वेश्चन नंबर 87 का डी सही होगा, यानी आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ प्रदान करने वाले शब्दांश क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय को हम हमेशा शब्द नहीं शब्दांश कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। खासकर ये हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि शब्दांश या शब्द में, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, शब्दांश। ठीक,
शब्दांश होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 सर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए, एक शुद्ध वाक्य भी आएगा, यहाँ पर शुद्ध वाक्य आप चुनना होगा। अगर आप संस्कृत में जो दिया गया था, अगर उसको आप ठीक से वाक्य प्रयोग करना जानते रहेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो ये थोड़ा कठिन होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए स पुस्तकम पठसि, फिर ऑप्शन नंबर बी है सा विद्यालयम गच्छत, फिर ऑप्शन नंबर सी है तव विद्यालयम गच्छत, फिर ऑप्शन नंबर डी है ते पुस्तकम पठत। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है तव विद्यालयम गच्छत, यानी वे दोनों विद्यालय जाएंगे, वे दोनों विद्यालय जाएंगे, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं का संस्कृत शब्द है, यानी कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले का संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत में अनुवाद करना है। कृष्णस्य उपयता गोपा संति ये होगा, फिर कृष्णम उपयता गोपा संति, फिर कृष्णा उपयता गोपा संति, फिर ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण उपयता गोपा संति। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कृष्णम उपयता गोपा संति, ये आपका सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 90 है ग व्यंजन है, ग व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए अंतस व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी उस व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन। तो जो अक्षर व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 25 प्रकार के होते हैं, क से लेकर म तक, कहाँ से होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है ग व्यंजन है, तो स्वाभाविक सी बात है क से लेकर म के बीच में ग आ रहा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्पर्श व्यंजन। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका ये हो गया, आज संस्कृत का पहला वीडियो मैंने आप यहाँ पर आपको भेज दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर कुछ आप इसमें और सुधार चाहते हैं या कुछ और आशा करते हैं कि मैं इसमें और कुछ बताऊं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि ये जो हमारा जो चैनल है ई लर्निंग विद दुर्गेश के नाम से, आप इसमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दिया गया है। आप अगर टेलीग्राम इंस्टॉल करके इनसे जुड़ना चाहते हैं तो दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करेंगे तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब में डालेंगे तो वहाँ पर भी आप इसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको सी टेट और यू पी टेट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास या नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6306344।